करें स्टार्ट साथियों, पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, जबकि दिल्ली सरकार बार बार हाईकोर्ट में जाके जब जब मुकदमा होता है उसके अंदर हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करती है कि पिछली कांग्रेस की सरकार से और जब बीच में एलजी साहब का शासन था डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली आती थी, दिल्ली सरकार आ रही थी, उस समय के मुकाबले दिल्ली सरकार एमसीडी को करीब करीब दुगना पैसा दे रहा है, तब भी एमसीडी इतनी कंगाल क्यों है? तब भी डॉक्टरों की, टीचर्स की तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? सफाई कर्मचारी को क्यों बार बार अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है? पूरी पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा फैलाया जाता है। हम लोगों ने कई बार जांच करने की कोशिश की, बट एमसीडी किसी भी मामले में किसी और संस्था को जांच नहीं करने देती है। और पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पहले एमसीडी के पास जो संसाधन थे उससे पैसा आता था, अब उन संसाधनों से, उन सोर्सेस से एमसीडी को पैसा क्यों नहीं आ रहा? हमने आपको दिखाया कि कैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट साइट्स ऐसी हैं, लगभग 90% एडवर्टाइजमेंट साइट्स ऐसी हैं जहां पे एमसीडी को कोई पैसा नहीं आ रहा। कारण यह है कि वहां पे भाजपा ने अपने जो है एडवर्टाइजमेंट लगा रखी हैं जो कि मुफ्त में लगी हुई हैं, लिहाजा किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा आता था वो आना बंद हो रखा है। हमने दिखाया कैसे प्रॉपर्टी टैक्स से भाजपा को पैसा आ सकता था, मगर किस तरीके से भ्रष्टाचार के चलते जहां पे पार्किंग चल रही है उसको कागजों में दिखाया जा रहा है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रही है और वहां से पैसा नहीं लिया जा रहा। हमने ऐसे कई सारे तरीके दिखाए जहां से पैसा, रेवेन्यू, आमदनी नगर निगमों को आनी थी मगर नहीं आ रही है। आज हम एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एमसीडी का खोल रहे हैं, और छोटा मोटा नहीं, 100 करोड़ रुपए का सीधा सीधा भ्रष्टाचार और चोरी हम आपको दिखाएंगे। वो पैसा जो एमसीडी के पास, एमसीडी के खजाने में आना चाहिए था और वो नहीं आ रहा। सबसे पहले एक कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेटेड 3/8/2017। इसके अंदर कहां कहां पे एडवर्टाइजमेंट लग सकती है और कहां नहीं लग सकती है उसमें कोर्ट ने आदेश में कहा है कि फ्लाईओवर पैनल्स के ऊपर नॉट परमिटेड एक्सेप्ट फॉर डीएमआरसी एंड रेलवेज सब्जेक्ट टू कंडीशंस बिलो। मतलब जो फ्लाईओवर के ऊपर जो पैनल होंगे उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती है, लिहाजा फ्लाईओवर के पैनल के अलावा आप कहीं और एडवर्टाइजमेंट करेंगे वहां पे आपको पैसा मिलेगा। उस लिहाज से एमसीडी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई। ये एमसीडी की पॉलिसी है, आउटडोर पॉलिसी डिफाइनिंग स्ट्रेटेजी फॉर चेंज। इसके अंदर क्योंकि कोर्ट का ये फैसला है, इस हिसाब से ये पॉलिसी के अंदर आ गया, फ्लाईओवर पैनल्स 1.7 पे लिखा हुआ है नॉट परमिटेड। उसी हिसाब से इन्होंने उस प्राइवेट कंपनी के साथ एक एमओयू किया है जिसके अंदर ये परमिटेड नहीं है और इन्होंने उससे पैसा लिया है जो कि आमदनी है एमसीडी की। दिल्ली नोएडा टोल के ऊपर हमने एक कंपनी से बात की और उस कंपनी ने हमें एक प्रेजेंटेशन भेजा है, नेक्स्ट क्रिएशंस, ये उसका प्रेजेंटेशन है जो हम आपको कंप्यूटर पे भी दिखाएंगे। इसके अंदर इन्होंने दिल्ली टू नोएडा टोल में कहां कहां एडवर्टाइजमेंट लग सकती है वो दिखाई है। ये हमने अपनी टीम को भेज के
फ्लाईओवर पैनल्स की फ़ोटो खिंचवाई है। ये दिल्ली नोएडा टोल की है। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक का बाकायदा पैनल, फ्लाईओवर पैनल के ऊपर एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। ये प्रेम जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है दिखा रहे हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैनल लगा हुआ है। अब ये सरकारी बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है ये मुफ्त में नहीं है, बाकायदा पैसा दे के यहाँ पे पैनल लगवा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा पैनल लगा हुआ है। ये गैंट्री लगी हुई है जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये गैंट्री अलाउड नहीं है क्योंकि इससे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर आप टोल पे अगर इस तरीके की एडवर्टीजमेंट बिल्कुल ऊपर लगा देते हो तो ड्राइवर की नज़र इसके ऊपर जाके ध्यान भटक सकता है और इसके कारण टोल पे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मनाही करी है मगर ये लगी हुई है गेंट्रीज। ये देखिए गेंट्री एक और लगी हुई है हुंडई वालों की। ये काउंटी 107 इसकी गेंट्री लगी हुई है, कोको काउंटी, आईवी काउंटी। फिर इसके सामने किंगस्टन हेल्थ एटीएस की गेंट्री लगी हुई है। इसके बाद ये कैसियो कंपनी की गेंट्री लगी हुई है। ये 3/9/2021 मतलब इसी सितंबर में 3 तारीख को हमने फोटो ली है। फोटो के अंदर बाकायदा डेट भी जो है कैमरे के अंदर है। ये एक महीने पहले की हमने फोटोग्राफ्स कराई थी अगस्त के अंदर। इसके अंदर देखिए एसबीआई की लगी हुई है, काउंटी की लगी हुई है, जीएल बजाज की लगी हुई है, दिल्ली सरकार तक की लगी हुई है। मतलब अब आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली सरकार की भी गारंटी लगी हुई है तो मतलब बाकायदा वेंडर दिल्ली सरकार से भी पैसा ले रहा है इसके लिए टोटली इलीगल काम के लिए। एनआईईटी की लगी हुई है, एनसीआर फर्स्ट वेलनेस होम्स एटीएस की लगी हुई है और एसबीआई की लगी हुई है। तो सीधा सीधा सरकारी कंपनी और दिल्ली सरकार तक से जो है इसके अंदर पैसा लिया जा रहा है। और बाकायदा इस कंपनी की प्रेजेंटेशन के अंदर इसके रेट्स हमने निकलवाए। मैं आपको रेट्स बताता हूं। 4 घंटी जो बड़ी हैं दिल्ली नोएडा डीएनडी पे जो साउथ एमसीडी के अंदर आती है उनका रेट है 25 लाख रुपए महीना। 4 के हिसाब से हो गया 100 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना। 6 घंटी छोटी हैं उनका रेट है 10 लाख रुपए महीना। इसके हिसाब से हो गया 60 लाख रुपए महीना। फ्लाईओवर पैनल 2 लगे हुए हैं 13.5 लाख का रेट है जो हमें कंपनी से मिला है कि इसका रेट 13.5 लाख रुपए पर मंथ होगा। इसके हिसाब से हो गया 27 लाख रुपए। इन तीनों चीजों को जोड़ें अगर हम तो 1,87,00,000 रुपए की चोरी हर महीने साउथ एमसीडी द्वारा की जा रही है। और 55 महीने जब से पॉलिसी आई है 2017 से अब तक के 55 महीने का जोड़ा जाए तो यह बनता है करीब 102 करोड़ रुपए। 102 करोड़ रुपए की चोरी दिन दहाड़े हो रही है। एमसीडी के बड़े बड़े अधिकारी, एमसीडी के मेयर, एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष, एमसीडी के लीडर ऑफ द हाउस, भाजपा का एक एक नेता इस टोल के ब्रिज से निकलता है, इन गैंट्रीज को देखता है और एक खुल्लम खुल्ला चोरी चल रही है। 102 करोड़ रुपए जो इनकी जेब में आने थे वो एक प्राइवेट कंपनी की जेब में जा रहे हैं। क्या रिश्तेदारी है इनकी, कहां से पैसा रूट होके वापस भाजपा के पास आता है? जरूर रूट होते भी आता होगा, जरूर इनके पास पैसा आ रहा है, वरना क्यों किसी प्राइवेट कंपनी को 100 करोड़ रुपए कमाए दिए जा रहे हैं, वो भी सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए किए जा रहे हैं? क्यों नहीं एमसीडी के उच्च अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर होनी चाहिए? क्यों नहीं एमसीडी के मेयर के खिलाफ और इनकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ याचिका दायर होनी चाहिए? और जितनी भी भ्रष्टाचार की बातें हम लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है इसका। हमने 2-3 हफ्ते पहले बताया कि पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा के होर्डिंग लगे हुए हैं जिससे करीब 2600 करोड़ रुपया सालाना जो है दिल्ली नगर निगम को आ सकता है।
उसके बाद में कोई जवाब नहीं आया इनका। हमने बोला एक रसीद तो दिखाओ, कहीं तो तुमने बिल दिया होगा, आपके सारी जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, आपकी भाजपा दिल्ली भाजपा पैसे देती होगी, कितना पैसा देती है आप दिखाइए। एक बिल नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि सारा पैसा पब्लिक का पैसा है जो भाजपा वालों की जेब में जा रहा है और सीधा सीधा एमसीडी के अंदर लूट हो रही है। और ये सोचा गया कि एमसीडी में पैसा जब नहीं आएगा तो कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे दिल्ली सरकार के आगे, फिर से कहेंगे कि जी दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह बंद कर देंगे, दिल्ली में कूड़ा फैला देंगे और फिर से वापस, क्योंकि पैसा कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है, पैसा प्राइवेट कंपनियों को कमवाओ, अपना पैसा जब कम पड़े तो कटोरा लेके दिल्ली सरकार के सामने खड़े हो जाओ। ये हालत जो है एमसीडी की पिछले कुछ वर्षों में हुई है, ये हम सब लोगों के लिए बड़ी सोचने की बात थी कि भाई पहले जब एमसीडी सही चलती थी अब क्या हो गया, ये कारण है। और कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एमसीडी का हम इसी तरीके से आपके सामने लाएंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो था करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का सोर्स, कैसे इन्होंने जो है उसके अंदर भी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके करोड़ों की लूट की है। एक बार अब ये प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जो उस कंपनी की प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर वो बताते हैं किस किस चीज का कितना रेट है। ये है नेक्स्ट क्रिएशन की प्रेजेंटेशन है, ये दिखा रहे हैं नीचे रेट लिखे हुए हैं, आप कोने में देखिए क्या रेट लिखा हुआ है, 9,50,000 इसका रेट है। अगला दिखाइए और दिखाइए नेक्स्ट, ये देखिए गेंट्री है 12 लाख रुपए इसका रेट है, 6,50,000 इसको छोड़ दो, 6,50,000 की गेंट्री है, ये 25 लाख की गेंट्री है जिसको पूरी तरीके से कोर्ट ने मना किया है और इनकी कहीं पे इनके कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र नहीं है, ये 25 लाख रुपए महीने की गेंट्री लगी हुई है। ये भी एक और गेंट्री है 12 लाख रुपए महीना, ठीक है मुझे लग रहा है काफी दिखा दी, एक्सीडेंट बहुत बढ़िया डीएमडी का। और जानकार जो बताते हैं कि इस तरीके के इलीगल काम करने की वजह से बहुत एक्सीडेंट डीएनडी पे बढ़े हैं और कई लोगों की मौत जो है यहाँ पे डीएनडी में सीधा सीधा दिल्ली नगर निगम और भाजपा के नेताओं की मिलीभगत के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, उनकी भ्रष्टाचार के कारण इन लोगों की मौतें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपके पास कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं, थैंक यू। अब हम इसको लेके इसकी फोटोज दे देंगे।